वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2017 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन केमिस्ट्री पेपर 4 LNMU BSc सेकेंड पार्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, एक्सप्लेन करने वाला होता है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिए, हो सकता है हम क्वेश्चन न भी बोले। तो चलिए देखिए, पहला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डाइल्यूशन बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम भी कंटेनिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एल्स आउट द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डाइल्यूशन बाई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम भी। अब कह रहा है कि जब जब हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डाइल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि यह स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट है जो वन मॉलिक्यूल वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का कंटेन करता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है कब, जब डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तब, है ना। इसीलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डाइल्यूशन होता है। अब एक का बी है, क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन। दो का है कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, क्यों होता है, तो उसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, क्लोरोएसिटिक एसिड ये हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया। तो इन क्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरीन हैज माइनस आई इफेक्ट, सो इट डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव आयन विथ डोज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड, सो रिलीज H प्लस आयन बिकम्स ईजी। हेंस क्लोरोएसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड ऑन अदर इन केस ऑफ एसिटिक एसिड पोसेसेज वन इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप CH3 व्हिच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन कार्बोनाइल कार्बन, सो द रिलीज H प्लस आयन बिकम्स डिफिकल्ट। हेंस क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अब एक का डी है कि नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिंग, व्हाई। तो नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप एंड दस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट अर्थो एंड पारा पोजिशन एज द क्लियर फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट कर देता है ना, इसीलिए नाइट्रो ग्रुप जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब दो का ए का आंसर हम लिखे हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द डिसोसिएशन ऑफ KClO3 इज स्लो, बट कैटलिस्ट MN इज एडेड देन डिसोसिएशन ऑफ KClO3 इज डबल और ट्रिपल। कहता है कि कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं जो इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और पार्ट नहीं लेते हैं रिएक्शन में। जैसे साधारण ताप पर KClO3 का विघटन जो होता है वह धीरे धीरे होता है, लेकिन MN कैटलिस्ट मिलाया जाता है तो KClO3 का डिसोसिएशन तेजी से हो जाता है, डबल और ट्रिपल हो जाता है, है ना। अब दिया देखिए, क्या होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, तो होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज द प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस मतलब हुआ जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही फेज में हो, यानी कि सॉलिड रहेगा तो सॉलिड फेज में ही, गैस रहेगा तो गैसी फेज में ही। तो देखिए वही है, तो इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ डाइऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन एज द कैटलिस्ट इन द लेट चैम्बर प्रोसेस। अब कहता है कि SO2 को SO3 में परिवर्तित करने के लिए जो हम NO जो होता है वह क्या होता है, होमोजेनियस कैटालिसिस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी है कि SO2 प्लस O2, यहाँ NO जो है वह भी गैस फॉर्म में है, SO2 भी गैस फॉर्म में है, O2 भी गैस फॉर्म में है, SO3 भी गैस फॉर्म में है। तो यहाँ जो है उसी को एक्सप्लेन कर देंगे, इन दिस रिएक्शन SO2 O2 एंड NO एंड SO3 आर इन सेम फेज, है ना, इसीलिए होमोजेनियस कैटालिसिस का उदाहरण हो गया। अब हेट्रोजेनियस कैटालिसिस क्या है, व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटालिसिस आर इन डिफरेंट फेज देन द प्रोसेस आर नोन एज हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। अब कहता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कैटालिसिस जो होते हैं
रिएक्टेंट और कैटालिसिस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो रिएक्शन करता है तो एफ ही कैटलिस्ट तो एनएच थ्री बनाता है। तो यहाँ गैस फॉर्म में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, बट एफ ही जो है लोहा वह सॉलिड फॉर्म में है, एनएच थ्री बना देता है। तो यह हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का उदाहरण हो गया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। पाँच का ए है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होता है? तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड CH2 ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड व्हेन CH2 ग्रुप इज प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज CO, CN, NO2, देन हाइड्रोजन एटम ऑफ CH2 ग्रुप इज बिकम्स एक्टिव और एसिडिक मीडियम। कहता है कि CH2 ग्रुप को एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कहते हैं। CH2 ग्रुप जब होता है, जब CnCO इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप के साथ प्रेजेंट होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण यह जो CH2 ग्रुप जो होता है एक्टिव हो जाता है। अब इसका रीजन क्यों होता है तो उसको दिखा दीजिए। द एक्टिविटी ऑफ CH2 ग्रुप इज ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन एंड इंटरमीडिएट एंड ऑल्सो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट सच ए मिथिलीन ग्रुप आर कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आया होगा। अब जो है वह पाँचवा का बी है, हाउ इज इथाइल एसीटो एसीटेट सिंथेसिड। तो इथाइल एसीटो एसीटेट EAA कैसे बनता है तो उसी को दर्शा देना है। तो इट इज द बेस्ट कैटेलाइज रिएक्शन ऑफ बीटा कीटो इस्टर विथ अल्काइलेटिंग रिएजेंट टू गिव मोनो और डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा कीटोस्टर। कहता है यह जो है इथाइल एसीटेट जो है वह बनता है कैसे, तो यह बेस कैटेलाइज रिएक्शन है जो बीटा कीटो ईस्टर के जो है अल्काइलेटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो मोनो और डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा कीटो ईस्टर देता है। तो उसको अब एक्सप्रेस कर देते हैं कैसे। द डीजोन मिल हाइड्रोलाइसिस विथ डायलूट अल्कली और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉलोड बाई डी कार्बोगाइलेशन इल्ड सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली टू गिव सब्स्टिट्यूटेड एसिड। तो वही है, देखिए यहाँ से इसको रिएक्शन को दर्शा दीजिए। यह CH2COEE है ना, यह रिएक्शन करेगा NaOE के साथ, तो यहाँ E और OH हट जाएगा तो हो जाएगा NaCO H और COE बन जाएगा। इसके साथ हम अल्काइलेटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे CH3I के साथ, तो NaI हट जाएगा और हमको बना देगा CH3, और ये इधर ज्यों का त्यों रहेगा CH COH COE+, है ना। उसके हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, है ना, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम निकाल लेते हैं जल का मॉलिक्यूल। तो यही है CH3COE, और यहाँ से E+ हट जाएगा, E हो जाएगा चेंज में। तो अब डी कार्बोजेलेशन कर देंगे वो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको इथाइल एसीटो एसिड प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आया होगा। अब है इस्टेब्लिश द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो देखिए एलिमेंट एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन गिव्स मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6। अब कहता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बारे में लिखना है कि ग्लूकोज कैसे बनता है, उसका कैसा सूत्र होता है, उसी के बारे में लिखना है। तो पहला है कि एलिमेंट एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन गिव्स मॉलिकुलर फार्मूला C6H12, और इसका मॉलिकुलर फार्मूला जो है किसी कारण होता है, तो मॉलिकुलर वेट के कारण होता है, ठीक है। दूसरा है ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN। अब दूसरा इसका कारण है ग्लूकोज का दूसरा है कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN एंड NH2OH टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन एंड ऑक्जाइम रिस्पेक्टिवली, हेंस इट कंटेन कार्बोनाइल कार्बन। अब कहता है कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है HCN के साथ ही और NH2OH के साथ, तो साइनोहाइड्रिन एंड ऑक्जाइम बना देता है जिसके पास कार्बोनाइल कार्बन होता है। कार्बोनाइल कार्बन किसको बोलते हैं, तो जिसके पास CO ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब तीसरा है ऑन ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड कंटेनिंग इन द सेम कार्बन एटम, दिस एसिड इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हेंस ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। द CHO ग्रुप इज मोनोवेलेंट सो इट मस्ट बी एंड एट एंड ऑफ द ग्रुप।
अब कहता है कि ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर देता है तो वह सेम नंबर का ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। अब वो ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा तो उसके साथ तो CH2 aldehyde ग्रुप तो जरूर रहेगा, तो वही है, तो CH2 aldehyde ग्रुप रहता है जो अंत में रहता है इसके ग्लूकोज के। देखिए C6H12O6 है ना, यहाँ देखिए C6H12O6 है, तो यहाँ C5 होगा, सॉरी यहाँ C5 होगा, C5H11O5CHO होगा। तब C6H12CHO जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो वह ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त कर देगा, है ना। अब है व्हेन चौथा पॉइंट है कि व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ कॉन्क HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, दिस शोज डैट ग्लूकोज हैज स्ट्रेच चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। अब ग्लूकोज जब HI के साथ रिएक्शन करता है तो एन हेक्सेन बना देता है, जिससे पता चलता है ग्लूकोज के साथ क्या है, लंबा चेन है 6 कार्बन एटम का, ठीक है। तो उसी को हम रिएक्शन के फॉर्म में देख लेंगे, तो यही है ग्लूकोज HI से रिएक्शन करता है तो एन हेक्सेन बना देता है, एन हेक्सेन ए है, ये एन हेक्सेन है, तो वो हो गया। अब 8 का A है परकिन रिएक्शन क्या है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। 8 का है परकिन रिएक्शन, टोटल 5 क्वेश्चन इसेंशियल होता है, हमने 5 क्वेश्चन बनाया है। तो पार्किन रिएक्शन क्या होता है, तो बेंजल डिहाइड रिएक्ट्स विथ एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, जनरली कॉल्ड सिनेमिक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज पार्किन रिएक्शन। और बेंजल डिहाइड जब रिएक्शन करता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनाता है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि पार्किन रिएक्शन। तो ये देखिए CHO बेंजल डिहाइड है, ये बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड रिएक्शन करता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ तो, और इसकी उपस्थिति में सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में तो यही एसिड बना देता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, इसी को बोलते हैं सिनेमिक एसिड। और मैकेनिज्म को भी दर्शाना है, तो मैकेनिज्म वैसे पूछ नहीं रहा, बना दिए हैं मैकेनिज्म, तो देख लीजिए मैकेनिज्म भी कैसे होता है। सो तो मैकेनिज्म को हम लिखेंगे इट फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैविंग फॉलोइंग स्टेप जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यही है एसिटिक अनहाइड्राइड, उसको हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं लिख करके उसको लाइन के द्वारा दर्शा दिए हैं। और ये जो है सोडियम एसिटेट है, और यहाँ से ये जो है वह सोडियम एसिटेट का ये OH- है, तो रिएक्शन किया है तो न्यूक्लियोफाइल बना दिया है। अब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। तो यहाँ देखिए बेंजल डिहाइड है, यही न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन करा तो यहाँ से H फॉर्म सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से H फॉर्म आया तो यहाँ हो गया OH, और यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करा दिए तो हमको बना दिया सिनेमिक एसिड, या फाइनली यहाँ बना दिया हमको। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ यह ख़त्म होता है 2017 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू।